भारतीय कंपनी सचिव संस्था ने सीएस एग्जीक्यूटिव टेस्ट और फाउंडेशन का परिणाम जारी कर दिया है। फाउंडेशन में जयपुर के 11 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट में स्थान हासिल किया है। बेंगलुरु के बालाजी बीजी ने देश भर में पहला और जबलपुर की प्रिया जैन ने और भयंदर की अपर्णा अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। भुवनेश्वर की निकिता जैन और कोलकाता के चिराग अग्रवाल ने ऑल इंडिया मेरिट में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। जयपुर चैप्टर से 11 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट में स्थान बनाया है। इनका झालाना स्थित ICSI इंस्टीट्यूट में स्वागत और सम्मान किया गया। चेयरमैन नितिन होड़चंदानी ने मेरिट होल्डर्स को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर स्टूडेंट्स के परिजन भी मौजूद रहे। ICAI फाउंडेशन की परीक्षा में जयपुर चैप्टर के 11 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया मेरिट में स्थान हासिल किया है। इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरुजी से बात करते हैं, यानी ICSI के चेयरमैन नितिन और चंदानी जी हैं। सर, क्या कहेंगे, एक बड़ी बात है, ऑल इंडिया लेवल पर अगर 11 स्टूडेंट्स मेरिट में स्थान हासिल करते हैं, तो किस तरह से आपने इनको गाइड किया? सर देखो, जयपुर ने हमेशा ही रिजल्ट्स के अंदर अपना मुकाम हासिल किया है, और इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि जो रिज़ल्ट गया वो हमारा मिक्स रिज़ल्ट गया है, जिसके अंदर लड़कों ने भी और लड़कियों ने दोनों ने साथ ही में मिलकर बराबरी में एक दूसरे को टक्कर देते हुए जयपुर चैप्टर का नाम रोशन किया है, और आगे भी इसी तरीके से बच्चे नाम रोशन करेंगे। और जयपुर चैप्टर के अलावा जयपुर चैप्टर ने तो 11 मेरिट तो हासिल करी है, और ऑल ओवर इंडिया में हमारा 70.22% रिज़ल्ट गया है। और ये फाउंडेशन का सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था, एक और एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो अभी जून के अंदर होगा, और वो फाउंडेशन के लिए लास्ट एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा CSEET हमारा नया कोर्स आ गया है, जिसके अंदर अब फाउंडेशन में कंपनी सेक्रेटरी एग्ज़ाम्स को देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो CS स्टूडेंट बन सकता है। और आगे इन बच्चों के लिए बहुत मुकाम बाकी हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, और हमारे 2 साल की ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके बच्चा हमारा प्रोफेशन का मेंबर बनता है। थैंक यू सर। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ सेंटर की टॉप रैंकिंग है और ऑल इंडिया लेवल पर 13वीं रैंकिंग साहिल ने हासिल की है, साहिल उम्मीद थी इस रैंक को हासिल कर पाएंगे? जी सर, ऑफकोर्स बिल्कुल उम्मीद थी, और मतलब 12th में भी स्कोर करने के बाद यही कोशिश थी, बस यही सोच रहा था, मतलब गोल भी यही था कि इस बार ऑल इंडिया रैंक अचीव करनी है, और वैसा हुआ, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मुश्किल काफ़ी थी इस समय, कोविड की वजह से कई चैलेंजेस थे, स्टडी को काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। जी सर बिल्कुल, मुश्किलें थी, लेकिन वही है सर, मुश्किलों से कोप अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इंस्टीट्यूट का भी कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा, ऑनलाइन कोचिंग्स होती थी, और पेरेंट्स का हाथ था सर, ब्लेसिंग्स थी उनकी, मॉरल सपोर्ट था, दीदी गाइड करती थी, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स थे साथ में, तो सब कुछ पॉसिबल हो पाया। सर सबसे पहले CS का जो अपना मॉड्यूल आता है, तो उसका मतलब जो पैटर्न था बहुत अच्छा था, पढ़ाने में बहुत मेहनत हुई, उसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ मैं नोट्स बनाती गई, साथ में जब मेरा ट्यूशन जो मैं करती थी इनमें ट्यूटोरियल से, तो मैं उसके नोट्स बनाती गई, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। अब आगे मैं MBA सोच रही हूँ, CS कंप्लीट होता है तो मैं MBA की तरफ मूव ऑन करूँगी। बेसिकली मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इसके अंदर पढ़ने में, और इससे ज़्यादा 12th का 90% मैच करता है कोर्स, तो बेसिकली और कुछ ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर ज़्यादा पढ़ाई करने की। क्या कहेंगे कि जो 12th को एक अच्छी बेस की तरह से ढंग से तैयारी करें, तो हाँ अगर फाउंडेशन के लिए जो 12th पढ़ अच्छे से पढ़ ले, तो उसके बाद CS फाउंडेशन ज़्यादा कुछ बचता नहीं है करने को। और मेरिट में आप जगह बना पाएंगे? उम्मीद कम थी थोड़ी। नोट्स बना के सेम ही मटेरियल को बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से लर्न हो पाता है, तो मेन नोट्स बनाना मॉड्यूल के, उनसे लर्निंग की, मॉड्यूल से ही पढ़ना चाहिए सब, और 12th में स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12th ही बेस है।